गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड गुड मॉर्निंग समृति। वीडियो ऑन कर लो अभी सारे अपनी। ऑल ऑफ यू स्टार्ट योर। गुड मॉर्निंग आयुष, वीडियो ऑन कर लो सारे। आपको यूनिफॉर्म में भी आना था, ये भी बोला हुआ है ना। वर्तिका सीज इन यूनिफॉर्म, रिमेनिंग अभी तक वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। दिनेश यूनिफॉर्म में नहीं है। रवीना, दीपिका, उज्ज्वल, ईशु, मनीषा यूनिफॉर्म में नहीं है भैया। ये बच्चा भी यूनिफॉर्म में नहीं है। आई डोंट नो, मोहित आई थी, मोहित बनीवाल भी यूनिफॉर्म में नहीं है। पंकज, समृति, समृति स्टार्ट योर वीडियो। पूनम, सारा ऑल्सो स्टार्ट योर वीडियो। रिद्धिमा, हाँ अभी आ गई फोटो वीडियो। गुड मॉर्निंग क्रिश लोरा, स्टार्ट योर वीडियो। खुशबू, अजय, प्रिंस तायर, रवीना, रजनी, तरुण, सारा बांगा, रजनी, खुशी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वीडियो गुड मॉर्निंग। वीडियो स्टार्ट करो अभी सारे। वीडियो नहीं स्टार्ट कर रहे आप। आपको मैंने पिछली वीडियो पिछले में बताया था कि आप वीडियो स्टार्ट नहीं करोगे तो इसमें आपका वो अटेंडेंस लो दिखाएगा। वीडियो ऑन करो और अगले बार यूनिफॉर्म में आना है सभी को। आप कंपल्सरी है आपको यूनिफॉर्म में आना, ठीक है? यू शुड बी इन यूनिफॉर्म। नंबर है इसके आपकी बार, आपको पता है आपकी बार 10th के पेपर नहीं हुए तो उनके नंबर कैसे लगेंगे? ऐसे ही लगेंगे सारे नंबर आपके तो होंगे, डोंट वरी। कभी ये सोचने लग जाओ पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे, ठीक है? आप टाइम तक आपके वैक्सीन भी लग जाएगी इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। क्या करना है स्टार्ट आज? व्हाट वी विल डू टुडे? वीडियो ओनली सम स्टूडेंट दे हैव सीन, 30-40 स्टूडेंट ने वीडियो देखी होगी लास्ट में। रिमेनिंग दे हैव नॉट सीन एनी वीडियो, और ना उनका कोई मेरे को पता है कि उन्होंने काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स नेम आई कैन टेल, नाम मैं अभी भेजने वाला हूँ ग्रुप में एक दो दिन में। आई विल कॉल देयर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि ये सिर्फ चलेगा नहीं काम। आपके पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं, आप क्लास नहीं लगा रहे, 10th क्लास है। क्या टॉपिक चल रहा था, क्या डिस्कस करना है आज? पावर शेयरिंग, यस, शेयरिंग ऑफ पावर इन, हाँ, शेयरिंग ऑफ पावर इन श्रीलंका एंड बेल्जियम। अब हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ पावर इज शेयर्ड इन द हॉरिजॉन्टल वे, वर्टिकल वे, इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ग्रुप्स और आपका प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट में किस प्रकार पावर शेयर होती है। अब पावर शेयरिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग करना किसका पार्ट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट है। अब पावर शेयरिंग हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग है, इट इज नॉट सेम इन एवरी कंट्री, ठीक है? हमारी पावर शेयरिंग हमारे देश में अलग है, दूसरे देश में उसकी जो वहां पे कम्युनिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपकी पावर शेयरिंग मिलेगी। जैसे हमने अपने देश को सेक्युलर बना रखा है, आवर कंट्री इज सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर? यस, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अवर कंट्री। कहीं कभी आपने सुना है क्या हमारे देश का ऑफिशियल रिलीजन है हिंदू? नहीं सुना आपने, इसलिए ऑफिशियल रिलीजन हमारा नहीं है, हम सेक्युलर कंट्री में आते हैं। जो हम दो कंट्रीज की बात करेंगे अभी, श्रीलंका और बेल्जियम,
दोनों अपोजिट है पावर शेयरिंग, ठीक है। बेल्जियम ने इतनी बढ़िया तरीके से पावर शेयरिंग की कि वहां पे सिर्फ तीन कम्युनिटी थी, तीनों में कोई दिक्कत नहीं रही। और श्रीलंका है, वहां पे दो ही कम्युनिटी थी मेन, तो सिंहला और तमिल, और तो वो 1% है, कोई 5% है, 7% है। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी जो सिर्फ दो ही कम्युनिटी की वहां पे, तमिल और सिंहला, बट दे हैव नॉट शेयर द पावर प्रॉपर भी, उन्होंने पावर को शेयर प्रॉपरली नहीं किया। कई बार क्या होता है कि श्रीलंका का मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, श्रीलंका के बारे में आपको बताता हूँ। श्रीलंका ने क्या किया, पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं उसको उल्टा समझ लिया, समझ में आया। उन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग को उल्टा ले लिया। डेमोक्रेसी कहती है कि देर शुड बी ए मेजोरिटी, मेजोरिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये कहती है। पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये तो नहीं कहती ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर मेजोरिटी वो सिर्फ एक कम्युनिटी की होनी चाहिए। कहीं लिखा हुआ ये, हैव यू रेड एनीवेयर कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये कहती है कि मेजोरिटी सिर्फ एक कम्युनिटी की होनी चाहिए, उसी की सरकार बननी चाहिए? नहीं पढ़ा आपने, लास्ट ईयर आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये कहती है कि पावर शुड बी शेयर्ड बिटवीन द होल कम्युनिटीज। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये कहती है कि जो पावर है वो हर एक कम्युनिटी में शेयर करके उसके बाद में मेजोरिटी बनानी है, ना कि श्रीलंका की तरह करना। और श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका आपको पता है इंडिया के बिल्कुल नीचे की तरफ जाते तो एक स्मॉल आपका, जैसे वो आप मिठाई बनाते हैं ना, क्या कहते हैं इसमें, शादी मैरिज में जिसको हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट वी आर कॉलिंग, इसकी शेप देख के आपको किसकी शेप लगती है ऐसी, बूंदी नहीं बोलते, बूंदी नहीं बोलते, बूंदी इसको आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, डोंट नो अबाउट दिस, बूंदी इसको बोलते हैं, लड्डू बूंदी बोलते हैं, बूंदी जो बोलते हैं उसकी शेप बिल्कुल वैसी होती है, आपको देखोगे तो श्रीलंका जैसी मिलेगी। तो श्रीलंका जो है ना ये इंडिया के साउथ में स्थित है, एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है। और 1948 में ये अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट हो गया था, यानी इंडिया से एक साल बाद में, 1948 में। ये याद रखना है कि वेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री, तो आपको याद रखना 1948। अब 1948 में जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुआ तो वहां पे जो एक कम्युनिटी थी सिंहला, वहां की मेन कम्युनिटी कौन सी है, सिंहला कम्युनिटी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक का मतलब होता है कि कम्युनिटी जो वहां पे रहती है उनकी कंपोजिशन बनानी, उनकी दोनों सारों को इकट्ठा बताना है कि वो कितनी परसेंटेज में है। तो वहां पे मेनली आपकी एक तो है सिंहला, जो कितनी है 74% है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है जो है आपकी तमिल, तमिल में दो है, यस पर्स, कोई डाउट है, अच्छा ठीक है। तमिल में मैंने दो कैटेगरीज बताई, सुन रहे हो ना सारे, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन नहीं है कईयों के बच्चों की। तो श्रीलंका के अंदर क्या है आपकी सिंहलीज हैं, उनकी परसेंटेज कितनी बताई मैंने, 74% बताई। इसके बाद में तमिल है, वहां पे तमिल की दो कैटेगरी, वहां पे एक इंडियन तमिल है, एक श्रीलंकन तमिल है। इंडियन तमिल क्या थे, जब इंडिया के अंदर तमिलनाडु का एरिया, वहां पे तमिल रहते हैं, वहां से वो लोग क्या कर गए, वो चले गए श्रीलंका में काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे चाय के बगान वगैरह थे, चाय के जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसमें काम करने चले गए, फिर वो वहीं रहने लग गए। तो 18% उसका दोनों का मिलके बताया, 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% आपके इंडियन तमिल है, 92% हो गया। इसके बाद में 7% आपके वहां पे क्या है, क्रिश्चियन है, और 1% कौन से आपके मुस्लिम है, 100 हो गया। 74 + 18 = 92, 92 + 7 क्रिश्चियन प्लस 100, तो 100% एथनिक कंपोजिशन मैंने बता दी श्रीलंका की। अब एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, तो आपको क्या लिखना है उसके अंदर, उसमें आपको ये लिखना है कि 74 सिंहलाज हैं, उसके बाद में आपका 18 आपके इंडियन और श्रीलंकन तमिल हैं, उसके बाद में 7% आपके ये हैं क्रिश्चियन हैं, और 1% आपके कौन है, मुस्लिम है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, समझ में आ गया। इतना एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका की, एथनिक वर्ड का मतलब है कम्युनिटी जो वहां पर रहती है उनकी आपको परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो एथनिक कंपोजिशन मैंने बता दी, वहां पर मेजोरिटी में कौन सी कम्युनिटी है श्रीलंका में, हाँ हाँ ठीक है गुड, सिंहला कम्युनिटी वहां पे मेजोरिटी में है। तो सिंहला कम्युनिटी जो मेजोरिटी में वहां पे है, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, एक आइडिया बनाया, उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या करेंगे,
हम मेजोरिटी की बात करेंगे, पर मेजोरिटी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है ना, सभी कम्युनिटी की मेजोरिटी, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही कम्युनिटी की मेजोरिटी की बात करेंगे जो मेजोरिटी में है। मेजोरिटी का मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो, माइनॉरिटी का मतलब जिसकी संख्या कम हो। तो इन्होंने कहा कि मेजोरिटी में सिंहला कम्युनिटी है, तो सारा काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सिंहला कम्युनिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उन्होंने इस वर्ड को क्या नाम दिया, मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदी बोलते बहुसंख्यकवाद। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया द कम्युनिटी विच इज इन मेजोरिटी दैट शुड रूल इन ए कंट्री। उनका मानना था कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वही देश के अंदर क्या रूल करे, रूल करेगी, सरकार बनाएगी। तो इसको उन्होंने नाम क्या दिया, मेजोरिटेरियनिज्म। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद। समझ में आ गया मेजोरिटेरियनिज्म क्या है। एन आइडिया अकॉर्डिंग टू दैट आइडिया द कम्युनिटी विच इज इन मेजोरिटी दैट शुड रूल इन द कंट्री दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म। अब किसी को कोई डाउट है मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? समझ में आ गया सभी को मेजोरिटेरियन? ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म मैंने बताया था, हिंदी बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। यानी इट इज एन आइडिया अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया द कम्युनिटी विच इज इन मेजोरिटी इन ए कंट्री दैट शुड रूल इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू दिस मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वही देश के अंदर क्या करना चाहिए, उसको रूल करना चाहिए। ये मेजोरिटेरियनिज्म है। और श्रीलंका ने इसको अडॉप्ट कर लिया। श्रीलंका ने क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग सरकार बना दी। किसकी बनाई, सिंहला कम्युनिटी की। और उन्होंने उसके बाद में क्या किया, सरकार बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। चेंज क्या किए उन्होंने, चेंज ये किए कि जो उनकी सिंहला लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, बट उसके साथ में 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एग्जाम देने जाओगे, कोई भी पेपर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दोगे, उसमें आपसे चॉइस मांगी जाती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना है। तो उसमें एक तो हिंदी आएगी, उसके नीचे 21 लैंग्वेज और भी आएगी, ठीक है। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, बट उसके साथ में 21 लैंग्वेज और भी उसके साथ में शामिल की गई है। तो श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और अदर लैंग्वेज जो तमिल की थी उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी, ना क्रिश्चियन को दी, ना आपके जो मुस्लिम है उनको दी। अब उन्होंने सिंहला लैंग्वेज बना दी। अब हमारे देश की अगर तमिल बना देते हैं, तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं तमिल? हमें सीखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा हमारे को, एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया की है। तो इसी तरीके से सिंहला लैंग्वेज बनी तो तमिल है, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया सरकार के खिलाफ। और उन्होंने कहा, इसके बाद में एक दो चीजें और कर दी उन्होंने। और क्या किया उन्होंने, और एक ये किया उन्होंने कि जो उनका रिलीजन होगा, ऑफिशियल रिलीजन उस कंट्री का क्या होगा, बुद्धिज्म। क्योंकि जो सिंहला कम्युनिटी के लोग हैं वो किसको मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि उनका जो ऑफिशियल रिलीजन होगा वो भी क्या होगा, बुद्धिज्म होगा। हमारे देश का ऑफिशियल रिलीजन है, हमारा कोई नहीं है, हम सेक्युलर है, ठीक है। तो इसलिए ऑफिशियल रिलीजन श्रीलंका ने क्या कर दिया, बुद्धिज्म को बना दिया। तमिल तो मानते नहीं बुद्धिज्म को, तमिल दे डू नॉट बिलीव इन बुद्धिज्म। अब दूसरा क्या किया गया कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो आपका पेपर होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर जो पढ़ाई होगी वो किसमें होगी, वो सिंहला लैंग्वेज में होगी। अब तमिल उसको सीखना नहीं चाहते, वो कहते हैं हम इस देश का पार्ट है तो हमारे को भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंस दी जाए। पर सिंहला कम्युनिटी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, उन्होंने सारे काम अपने अकॉर्डिंग कर लिए। अब तमिल कम्युनिटी जो थी उसके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, हम आपके साथ में नहीं रहना चाहते, हम अलग हो जाएंगे आपसे। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में क्या हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर होता है गृह युद्ध, गृह युद्ध समझते हो, घर पे लड़ाई होती है उसको गृह युद्ध बोलते हैं ना, घर पे लड़ाई होती है उसको गृह युद्ध बोलते हैं, हाँ। तो वही गृह युद्ध की बात हुई है। यहाँ पे क्या हुआ कि विद इन ए कंट्री जब एक देश के अंदर दो कम्युनिटी के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। तो अब जब दोनों आमने सामने हो गए तो उससे क्या हुआ, उससे सिविल वॉर जो है ना वो स्टार्ट हो गया श्रीलंका के अंदर। अब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ कि दोनों आपस में लड़ने लग गए। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उसको प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि अगर लंबे समय तक वार चलता रहता है देश के अंदर आपको पता है प्रॉब्लम आ जाती है। अब घर के अंदर अगर रोजाना लड़ाई होगी तो घर में काम करने वाला कौन होगा, काम नहीं करोगे तो पैसे कहां से आएंगे,
तो वैसे ही श्रीलंका के अंदर क्या है, धीरे धीरे श्रीलंका गरीब होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाई में ज्यादा वो पैसा इन्वेस्ट होने लग गया वॉर में, तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको जस्ट ओनली फॉर यूर नो जनरल नॉलेज में बता रहा हूँ। उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तो इंडिया ने शांति मिशन के तौर पे एक आर्मी भेजी हमारी यहाँ से शांति मिशन के लिए। शांति मिशन का मतलब कि वहां पे पीसफुल इन्वायरमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए। अब जब हमारी आर्मी वहां पे गई तो वो तो पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना चाहती थी ना वहां पे, पर जो तमिल थे ना, जो इंडियन तमिल थे जो वहां पे रह रहे थे, वो इस बात से नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम इंडिया का पार्ट थे और अब इंडिया को हमारे को यहाँ पे राइट दिलवाने में, पावर दिलवाने में मदद करनी चाहिए। पर जो सरकार थी उसका मानना था कि आप पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करो, फिर आपकी आपस में बातचीत करवाएंगे, फिर आपको क्या है आपको हम जो पावर है वो दिलवा देंगे। बट वो उस बात को मानने को तैयार नहीं थी, तो सरकार जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने वहां पे उसको भेज दिया, ठीक है, और शांति मिशन में वहां पे शांति एस्टेब्लिश, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद में आपको पता है राजीव गांधी का मर्डर कर दिया गया। तो राजीव गांधी के मर्डर का कारण यही था, क्योंकि वो कोयम्बटूर गए थे तमिलनाडु के अंदर, और वहां पे जो तमिल एक महिला थी उसने क्या किया, उनके गले में माला डाली और साथ के साथ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, दोनों उड़ गए वहां। तो ये थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है श्रीलंका के बारे में। तो सिविल वॉर हो गया वहां पे, समझ में आ रहा है ना सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, वॉइस भी क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस में? ओके, तो इसके बाद में क्या हुआ आपका, कि सिविल वॉर होने के कारण क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर दिक्कत आने लग गई। उन्होंने पावर को शेयर प्रॉपरली नहीं किया, अब तो वहां पे उन्होंने शेयर पावर शेयरिंग थोड़ी प्रॉपर कर ली, इसलिए वहां पे अब दिक्कत नहीं, ठीक है। बट उस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको आई थी, यानी उन्होंने पावर शेयरिंग प्रॉपरली नहीं की। अब ये तो श्रीलंका का समझ मैंने बता दिया आपको। अब श्रीलंका वाले में आपको कोई डाउट है, श्रीलंका में जो हमने डिस्कस किया इसमें कोई डाउट रह गया अभी हमारे को? ये समझ में नहीं आया सर। अगर किसी को भी कोई समझ में ना आया हो 1.1 वर्ड, आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं आगे आपको बेल्जियम बताता हूं। यस, वो मैंने आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए बताया, बुक में नहीं है आपके, ठीक है। वो इसमें क्या है कि जो इंडियन आर्मी है ना, उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हेल्प मांगी थी इंडियन गवर्नमेंट से, उसने कहा कि हमारी हेल्प करो, हमें क्या है हेल्प चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं हो पा रही और लड़ाई है वो लंबी होती जा रही, जिससे देश को आर्थिक नुकसान होता जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का खराब होता जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे शांति मिशन के तौर पे, यानी वहां पे पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आर्मी भेजी थी। इसके बाद में वहां पे पीसफुल इन्वायरमेंट तो क्रिएट हो गया था, बट दिक्कत क्या हुई कि जो वहां के तमिल थे उन्होंने इस बात को नेगेटिव ले लिया, और इसीलिए राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, ठीक है। अब समझ में आ गया इशू? कोई डाउट है अभी तक यहां तक जो मैंने समझाया? बी फ्रैंक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैप्टर में कोई भी आपको कहीं पे भी कोई समझ में नहीं आता है, आप बेझिझक पूछो, ठीक है। हम चैप्टर को जरूरी नहीं है कि आपको 5 दिन में 4 दिन में पूरा करवाना, उसको मैं 10 दिन में भी पूरा करवा सकता हूँ, ठीक है। बट इट शुड बी अंडरस्टूड, वो समझ में आ जाना चाहिए आपको सारा, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो श्रीलंका वाले में कोई डाउट नहीं है। अब बेल्जियम की तरफ चलते हैं, ठीक है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन इंडिया हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसके बराबर, उससे कम है, ठीक है, और हरियाणा से छोटा एरिया है उसके पास। चारों साइड में उसके जो कंट्री है वो, एक तो फ्रांस है, एक आपका नीदरलैंड है जिसको हम डच बोलते हैं वहां के लोगों को, एक जर्मन है, एक साइड में लग्जमबर्ग कंट्री है, ठीक है। वहीं के लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है, वहीं से लोग आकर उन कंट्रीज में से, बड़े कंट्रीज में से यहाँ बेल्जियम में रहने लग गए। बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रुसेल्स, ब्राजील नहीं, ब्रुसेल्स, ठीक है, कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। अब इसकी एथनिक कंपोजिशन बताता हूं मैं, बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन समझते हो, कम्युनिटी वहां पे कौन कौन सी रहती है, कितने परसेंटेज है वो? तो वहां पे मेनली 3 कम्युनिटी, ठीक है। 3 कम्युनिटी कौन सी है? एक तो है डच, एक है फ्रेंच और एक है जर्मन, ठीक है। जर्मन तो 1% है, उनका तो माइनर रोल है बिल्कुल, मेन वहां पे 2 ही है, कौन कौन सी है? डच और फ्रेंच। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि डच है ना, वो तो कंट्री में मेजोरिटी में है, यानी उनकी पॉपुलेशन पूरे कंट्री में ज्यादा है, और फ्रेंच है, उनकी पॉपुलेशन कैपिटल में ज्यादा है, 82% पॉपुलेशन है फ्रांस की, फ्रेंच की, सॉरी, फ्रेंच की पॉपुलेशन कैपिटल के अंदर 82% है, 18% सिर्फ डच है, और उनकी डच की क्या है, डच की पूरे कंट्री में ज्यादा है, 59% है, और 40% आपके फ्रेंच है।
तो इतना समझ में आ गया कैपिटल में कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में है? कैपिटल में, कैपिटल कंट्री में नहीं, कैपिटल में फ्रेंच, ठीक है? हाँ ठीक ठीक है ठीक है। और कंट्री में कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में है? डच, गुड। हाँ डच मेजोरिटी में है। अब जिस एरिया में वो रहते हैं उन एरिया के नाम भी दिए हुए हैं, जिस एरिया में डच रहते हैं उस एरिया को वेलोनिया बोलते हैं और फ्रेंच रहते हैं उसको क्या बोला गया है? फ्लेमिश, यस फ्लेमिश, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिश। अब जो फ्रेंच है ना वो माइनॉरिटी में तो है पूरे कंट्री में, पर वो रिच और पावरफुल है, यानी पैसा उनके पास ज्यादा है, पावर उनके पास ज्यादा थी। इसलिए क्या है कि 1950-60 के बाद में, 60 के बाद में उस देश के अंदर भी वही प्रॉब्लम आने लगी श्रीलंका की तरह। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या किया, अपना डोमिनेशन प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो रिच थे और पावरफुल थे। तो अब क्या हुआ कि वहां की सरकार थी उसने अपने संविधान को चार बार चेंज किया, चार बार, फोर टाइम्स। किस लिए किया? पावर को इक्वली शेयर करने के लिए, ठीक है, सो दैट दे कैन शेयर द पावर इक्वली। अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो आपका संविधान चेंज हुआ वो 1970 से 1990 के बीच में उन्होंने चेंज किया चार बार, अप्रोक्सीमेटली बोला है मैंने, एग्जैक्ट आपकी बुक में दिया हुआ है वो। चार बार उन्होंने अपना संविधान चेंज किया। तो पहली बार जब उन्होंने चेंज किया तो उन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी वहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हो पूरे देश के लिए, उसमें जो मिनिस्टर बनेंगे वो क्या होंगे? दोनों कम्युनिटी के इक्वल होंगे। किसके? डच और फ्रेंच की। मिनिस्टर विल बी इक्वल ऑफ डच एंड फ्रेंच इन सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया इतना? सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे डच और फ्रेंच दोनों। इसके बाद में दूसरा उन्होंने क्या चेंज किया, दूसरा उन्होंने कहा कि एक स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगी हर एक एरिया में, जैसे फ्लेमिश और वेलोनिया एरिया हो गए, उन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम खुद करेगी, सब ऑर्डिनेट, मतलब वो डिपेंड नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, वो अपना काम खुद करेगी। तीसरा उन्होंने क्या किया, जो कैपिटल थी उसमें फ्रेंच मेजोरिटी में थे, डच माइनॉरिटी में थे, तो उन्होंने वहां पे भी क्या कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मूला वो वहीं अप्लाई कर दिया कि जो कैपिटल है वहां पे भी एक अलग सरकार बनेगी, कैपिटल गवर्नमेंट बनेगी, और उस कैपिटल गवर्नमेंट में क्या होगा, डच और फ्रेंच के मिनिस्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। और चौथा जो चेंज किया उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कल्चर और रिलीजन और एजुकेशन, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो है चीजें, कल्चर एजुकेशन और रिलीजन उसका केयर करेगी वो। उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो कल्चर एजुकेशन और रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा उसका समाधान कौन करेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। अब मैंने आपको चार तरीके से पावर शेयरिंग इसमें बेल्जियम में बताई। पहला मैंने आप बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें मिनिस्टर जो होंगे वो डच और फ्रेंच के इक्वल होंगे। दूसरा मैंने बताया कि एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जो सब ऑर्डिनेट नहीं होगी, सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो आपकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे एक अलग गवर्नमेंट होगी और उसमें मिनिस्टर जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसके, फ्रेंच और डच की। और चौथा मैंने बताया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी देश के अंदर। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाएगा आपके, ईच कंट्री हैज मेड कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो आपको बताना है बेल्जियम, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बना दी। उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था, उसका काम यह है कि जो लैंग्वेज कल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम एक कम्युनिटी की होती है उसका सोल्यूशन करना। तो ये पावर शेयरिंग उन्होंने कर दी बेल्जियम ने अपने कंट्री के लिए, और वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर लिविंग पीसफुली, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं, श्रीलंका वाली प्रॉब्लम वहां पे नहीं आई। तो देख रहे हमने देखा किस प्रकार श्रीलंका ने पावर शेयरिंग प्रॉपरली नहीं की तो वहां पे दिक्कत आई, और बेल्जियम ने पावर शेयरिंग प्रॉपरली की तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आई। अब आप मेरे को बताओ इसमें कोई समझ में ना आया हो आपको यहां तक, अगर आपको बेल्जियम के अंदर मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी पूरे कंट्री के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना जो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वैसे ही वहां पे भी क्या होगी, आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके अंदर जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे, किसके इक्वल, मिनिस्टर किसके होंगे आपके, फ्रेंच और डच कम्युनिटी के, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सब ऑर्डिनेट यानी डिपेंड नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपना काम खुद करेगी।
तीसरा मैंने बताया कि जो कैपिटल है ना वहां पे एक अलग गवर्नमेंट, उसमें मिनिस्टर जो होंगे वो दोनों के इक्वल होंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में था वैसे ही कैपिटल में क्या होगा जो आपकी कम्युनिटीज है उनका इक्वल मिनिस्टर बनाए जाएंगे। और चौथा मैंने आपको बताया कम्युनिटी गवर्नमेंट का, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी वो क्या होगी, वो लैंग्वेज कल्चर की केयर करेगी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, ठीक है। तो ये चार कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेकर ये चार पावर शेयरिंग की गई बेल्जियम के अंदर। अब कोई डाउट है तो अब किसी और को कोई डाउट रह गया हो जिसको समझ में ना आया यहां तक, कोई प्रॉब्लम हो श्रीलंका और बेल्जियम में पावर शेयरिंग जो की गई उसमें कोई दिक्कत आई हो आपको समझ में ना आया हो, डू यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस? बोलो जल्दी से, कोई किसी को डाउट रह गया हो दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड? अभिमन्यु, उज्जवल, मुस्कान, प्रियंका, खुशबू, मोहित बनिवार, दीक्षा, तुषार जानी, ठीक है।